खबर जो आपके शहर की है, खबर जो आपके गांव की है, खबर जो आपके काम की है, तो देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। और अक्षत की टीम निकल चुकी है यहाँ पर पूरे दशहरा मैदान पर पहुँचने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं हम कैंट क्षेत्र से उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ से मोदी जी का काफिला आम सभा पर पहुँचेगा और यहाँ से ही संबोधित किया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने चौकन व्यवस्था यहाँ पर की है, किसी का आवागमन है उसको बंद कर दिया गया है, पूरी सड़क सुनसान आपको नजर आ रही है, सिर्फ यहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए नजर आएंगे जो पूरी चीज़ पर निगरानी रखे हुए हैं। और इसी मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर कर आम सभा पहुँचेगा। और आप देख रहे हैं कि अब हम पहुँच चुके हैं दशहरा मैदान, एसपी ऑफिस के सामने का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ आपको आवाजाही नज़र आ रही है। और कुछ ही देर में हम आपको सीधे ले चलेंगे आम सभा स्थल पर। आपको बता दूँ इस वक्त मोदी जी का कार्यक्रम के लिए लोग बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगा हुआ है, साथ ही लोगों का आवागमन बना हुआ है। आप हमारे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है और लोगों का आना आवागमन बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा हम सबके प्रिय नेता केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और तीर कमान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सभी तालियों से स्वागत करिए। मैं गुना के जिलाध्यक्ष श्री धर्मेश अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, इस क्षेत्र के हमारे आस्था के केंद्र टेकरी सरकार के चरणों में समर्पित हमारे गदा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। आज बोलो टेकरी सरकार की, टेकरी सरकार की, टेकरी सरकार की। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के गांव गांव में और जन जन के प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुना में और इस समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे गुना के जनता से तहे दिल से स्वागत है, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। आज आपके आगमन से इस समूचे अंचल में हर्ष और उल्लास दोगुनी हो गई है और दोगुनी इसलिए हुई है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में मध्य प्रदेश है, वहीं दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के मन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मेरे भाई और बहनों, पिछले 65 वर्षों में और इसलिए इस साल हम तीन दिवाली मनाएंगे, पहली दिवाली 12 तारीख को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को, जब आप के द्वारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा देश के यशस्वी
को, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऊना की धरती से चंबल के मेरे सभी परिवारजनों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। ऊना अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। यहां आज मैं एमपी के भविष्य की बात करने आया और मैं देख रहा हूं ये पंडाल भी छोटा पड़ गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग उधर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं और यहां आए हुए आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके इसको आपको लौटाऊंगा। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह ये साफ साफ बता रहा है। एक स्वर से बता रहा है, एक लक्ष्य को लेकर के बता रहा है। फिर एक बार मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। एक काम करोगे, मेरा व्यक्तिगत काम है, निजी काम है, करोगे? हाथ ऊपर करो तो मैं देखूं, करोगे? जरा जोर से बोलो, करोगे? बिल्कुल, मेरा निजी काम है, मोदी के लिए करना है, करोगे? तो एक काम करना, आप जब भी बाहर जाएं, लोगों से मिले तो उनको कहना आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। इतना कर देंगे, मेरे प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे, हर माता बहन को पहुंचा देंगे। अगर मेरा प्रणाम उन तक पहुंचा वो मनोमन मुझे आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद शक्ति बन करके मेरे पास पहुंचेगा और मैं देश के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उस शक्ति के सहारे दिन रात काम करता रहूंगा। ये गारंटी मैं आपको देता हूं और इसलिए मेरा प्रणाम जरूर पहुंचाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये बहुत दिग्विजय सिंह है, मोदी जी कोई गंदा नहीं। राहुल गांधी जी जिनके पुरखे दफनाए गए हो वो आप बताइए, ये राज के सबकी कभी नहीं होगी और मोदी नहीं हुआ तो इतनी बड़ी भीड़ पीछे का हजारों हजार लोग आप खड़े हो। अगर 10 दिन में एक मुख्यमंत्री बदलने की बात थी तो महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलते, 15 महीने से सरकार रही, 45 मुख्यमंत्री बदल जाते। अरे 2 लाख का किसी को नो डूज मिला क्या? नहीं मिला, नो डूज नहीं मिला। ओवरडी आप सब लोग और उस ओवरडी को माफ किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो सरकार आपके खुदा के आदरणीय पूर्व हमारी केंद्रीय मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण से जो सरकार बनी उसने वो ब्याज माफ कराया। ये कांग्रेस के कमलनाथ इतने कहा था उन्होंने उसने लिख दिया था कि किसान भाइयों से सामाजिक मुकदमा हुई है केरल में 2 लाख। और हमने पीछे लोगों से बात की और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में एक उत्साह, एक जोश, उस ऊर्जा का माहौल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खचाखच लोग भरे हुए हैं। हमने यहाँ पर बच्चे हैं, महिला पुरुष हैं। घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाए। मेरे बचपन को याद करता था, मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर दिव्यांश वर्मा मौजूद के लिए तो कैसा लगा आज आपको? अरे आनंद आ गए साहब मोदी जी को। हर हर मोदी, घर घर मोदी, श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह सरपंच। उनकी कौन सी योजना पसंद है आपको सबसे ज्यादा? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी पसंद है, भारतीय जनता पार्टी और कुछ भी नहीं है पसंद। जीवन निकल गया। भाजपा सरकार दोबारा चाहिए मध्य प्रदेश में। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन गुप्ता, बमोरी विधानसभा से। चाचोड़ा का क्या माहौल है इस बार? चाचोड़ा से प्रियंका पैंची जी निकल रही है। अच्छा, बिना किसी विरोध के, निर्विरोध से। आपका क्या कहना है? प्रियंका जी निकल रही। और यहाँ का कार्यक्रम मोदी जी कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप कार्यकर्ता हैं भाजपा के या कुछ? नहीं, हाँ भाजपा। आपका क्या नाम है? मनोहर मीना। मनोहर मीना, आप यहाँ पर आए और आपने देखा पूरे कार्यक्रम मोदी जी, कौन सी योजना सबसे ज्यादा पसंद है आपको मोदी जी की? मोदी जी की सारी योजनाएं बहुत अच्छी है। एक भी सबसे ज्यादा बड़ी अच्छी योजना कौन सी लगती है आपको? किसान सम्मान निधि और फ्री राशन, उनकी तो हर योजना सुपर है। और मोदी आएंगे दोबारा और भाजपा की सरकार बनेगी। कितनी जमीन है आप लोगों को? मेरा सालू पारिक। नीलम शर्मा। आज मोदी जी आए हुए थे कार्यक्रम को, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो कौन सी योजनाएं आपको ज्यादा अच्छी लगती है भाजपा की? वैसे तो सभी योजनाएं उनकी अच्छी हैं, लेकिन अभी बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं उन्होंने। उनमें महिलाओं को अभी पैसे आ रहे हैं, उज्ज्वल महिला और गैस की सुविधा पूरी, लाइट लगवा। क्या कहना चाहती हैं? कुछ कहना चाहती हैं? संदेश क्या संदेश देना? हर बार मोदी सरकार, मोदी जी का पूरा काम। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें
आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।